ईरान और इसराइल का जंग पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। ईरान के हमले का इसराइल भी ऐतिहासिक जवाब देने की तैयारी में है। इसराइल ईरान द्वारा किए गए हमले का ऐसा जवाब देने की तैयारी कर रहा है कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां ये जवाब याद रखेंगी। अभी बीते हफ्ते ईरान ने इसराइल पर 300 से ज़्यादा मिसाइलों और ड्रोन से घातक हमला किया था। ये बात अलग है कि इसराइल ने उनमें से 99% मिसाइलों और ड्रोनों को नुकसान पहुँचाने में सफल हो गया था और हवा में ही मार करके इन मिसाइलों और ड्रोनों को ख़त्म कर दिया था। मगर इसके बावजूद इजराइल अब ईरान से भीषण बदला लेने की तैयारी कर रहा है, ऐसा बदला जिससे ईरान में हाहाकार मच सकता है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने भी बुधवार को कहा कि इजराइल ईरान से हमले का बदला ले सकता है और ये बदला कोई आम बदला नहीं होगा, बल्कि ये बदला पीढ़ियों दर पीढ़ियों याद रखी जाएगी। ब्रिटिश मंत्री ने कहा कि सप्ताहांत में ईरान द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन के जवाब इजराइल कार्रवाई करने का फैसला ले रहा है। इस बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि उसके क्षेत्र में किसी छोटे से हमले का भी कठोर जवाब दिया जाएगा। वहीं इजराइल ने ईरान के अभूतपूर्व हमले का जवाब देने का संकल्प लिया है, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि कार्रवाई कब और कैसे की जाएगी। गाजा में जारी युद्ध के चलते महीनों की अशांति के बाद नए घटनाक्रम से क्षेत्र में और अधिक अशांति की आशंका उत्पन्न हो गई है। ईरान के हमले को नाकाम करने में मदद करने वाले इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका और ब्रिटेन हालात और ख़राब न होने देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं इसराइल द्वारा जवाबी हमले की आशंका के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने वार्षिक सैन्य परेड को संबोधित करते हुए इसराइल को किसी भी जवाबी कार्रवाई को लेकर चेतावनी दी है। संभवतः इसराइल की जवाबी कार्रवाई के डर से इस सैन्य परेड का टेलीविजन पर प्रसारण नहीं किया गया। ईरान की आधिकारिक इरना समाचार एजेंसी ने रईसी के हवाले से कहा है कि शनिवार को हमला एक सीमित हमला था और अगर ईरान बड़ा हमला करना चाहता है तो इसराइल में कुछ ही नहीं बचता। कैमरन और जर्मन विदेश मंत्री इनालेना बेयरबॉक दोनों बुधवार को शीर्ष अधिकारियों से मिलने के लिए इजराइल पहुंचे। इजराइल के सबसे करीबी सहयोगियों में शामिल ब्रिटेन और जर्मनी ने संयम बरतने का आग्रह किया है। कैमरन ने कहा है कि यह साफ है कि इजराइल ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला ले रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह इसे इस तरह अंजाम देगा जो सख्त भी हो और इससे ज़्यादा संघर्ष भी ना बढ़े। आपको बता दें कि ईरान की ओर से इसराइल पर किए गए हमलों के बाद से मध्यपूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं। इसराइल की तरफ से कहा गया है कि वो ईरान को हमलों का जवाब देगा। इस बीच इसराइल सेना का कहना है कि दक्षिणी लेबनान में किए गए हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के 2 कमांडरों समेत 3 लड़ाकों की मौत हो गई है। वहीं इजरायली सेना की तरफ से कहा गया है कि हवाई हमलों में राडवान फोर्स के पश्चिमी क्षेत्र के रॉकेट और मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद हुसैन शौहरी की मौत हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।